कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सितंबर में अमेरिका जाने की संभावना है। अमेरिका में उनके भारतीय प्रवासियों, छात्रों और सांसदों से मिलने की उम्मीद है। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद से यह राहुल गांधी की पहली विदेश यात्रा होगी। बता दें कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में अमेरिका के लिए रवाना हो सकते हैं, जहां उनके 8 से 9 दिनों तक रहने की संभावना है। राहुल का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल की यह पहली विदेश यात्रा होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद 2014 से 2024 तक खाली रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस अवधि के दौरान किसी भी विपक्षी दल के पास पद को हासिल करने के लिए पर्याप्त सांसद नहीं थे। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या 99 पहुंचने के बाद 25 जून 2024 को राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। इससे पहले राहुल गांधी पिछले साल जून 2023 में अमेरिका की यात्रा पर गए थे। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय छात्रों के साथ बातचीत की थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था। उन्होंने भारतीय समुदाय से भी बातचीत की थी। बता दें मार्च 2023 में राहुल ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर दिए गए बयानों को लेकर भारत में राजनीतिक घमासान भी मचा था। इस मुद्दे पर कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी आमने सामने आ गए थे। बीजेपी राहुल से माफी मांगने के लिए कह रही थी, वही कांग्रेस ने भी साफ कर दिया था कि राहुल के बयान पर माफी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है।